हे एवरीवन, व्हाट्स अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर विजिटिंग इंग्लिश विद राहुल, जहां पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रामर सीखते हैं और अलग अलग कंटेंट से जुड़े रहते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 बेस्ट एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मैं अपने फ़ोन में रखता हूं उन्हें और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं। वेल, मैंने काफ़ी सारी ऐप्स ट्राई किए थे, बट उनमें से जो टॉप 5 हैं वही मैं आपको आज दूंगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऐप का नाम है हमारा अल्टीमेट इंग्लिश स्पेलिंग क्विज। इस पर आपको प्ले पर क्लिक करना है डायरेक्टली। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्पेलिंग क्विजेस, बोनस क्विज, ऑड एंड आउट, किसी पर भी क्लिक करके स्पेलिंग क्विज फर्स्ट आप क्लिक करें, फिर लेवल 1। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, चारों में से आपको जो करेक्ट लगे वो आप टैप करें और जो इनकरेक्ट होगा वो आपको ये बता देगा। तो जो मुझे करेक्ट लगा वो मैंने टैप किया और यहाँ पर देखो ग्रीन शो करता है, ग्रीन सिंबल शो करता है अगर करेक्ट होता है। अगर आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा तो वो रेड शो कर देगा। और प्लस यार डेफिनेशन भी बताता है आपको, किसी भी वर्ड का मतलब अगर नहीं पता है तो वो शो कर देगा। देखो जैसे कि रेड शो किया था रिस्ट पर, तो ऐसे ही ये गेम बहुत अच्छी है, इसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी आता है। स्पेलिंग नहीं पता तो आपको पता चल जाता है, प्लस ये आपको एक एंड में रिजल्ट भी दिखा देगा कि आपके कितने पॉइंट्स आए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन 2 की तरफ। इसका नाम है अंग्रेजी से हिंदी शब्द मिलान। इसमें मिस मैच करना पड़ता है वर्ड को, जिसमें इसमें आसान, मध्यम, मुश्किल, ये पहले इंग्लिश में होती थी, अब पूरी तरह से ये हिंदी में हो गई है। इसमें आपको वर्ड्स मैच करने पड़ेंगे, साइड का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है, सिल का मतलब क्या है, सिंक का मतलब, जैसे कि यहाँ पर भी ये शो कर रहा है। अगर आप गलत टच करेंगे, गलत मैच करते हैं, तो ये सिंपली ऑप्शन को रॉन्ग कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने गलत टैप किया है, तो ये गेम दोबारा रीस्टार्ट होगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। अब एप्लीकेशन 3, इसका नाम है वर्ड ट्रिप। वर्ड ट्रिप काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। इसके अंदर आपको वर्ड्स बनाने पड़ते हैं। इसमें लेवल सेलेक्ट कर लो, सबसे पहले आप लेवल 1 सेलेक्ट कर लो और आफ्टर सेलेक्टिंग द लेवल 1 यू विल कम टू नो कि क्या बनाना है। जैसे कि WOR से क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, और एंड रॉ दो वर्ड बना सकते थे, ये हमें पता चल गया। अब CUP इससे क्या क्या वर्ड बन सकता है, कब बन गया, अब कब का मतलब आपको जानना है तो उस पर टैप करो, ये डेफिनेशन पूरी देगा आपको, बताएगा कब क्या होता है, एक स्मॉल कंटेनर जिसमें हम कुछ भी भर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन करके बता रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, आपको एटलीस्ट मीनिंग तो पता चल जाएगी अगर मीनिंग नहीं पता है तो, और इससे आप अपनी वोकेबुलरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐप है जो हमारी एप्लीकेशन नंबर 4, इसका नाम है वर्ड सर्च। वर्ड सर्च में क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे और आपको लेवल क्लिक कर लेना है। अगर आपका बेसिक लेवल है तो आप 6x6 पर क्लिक कर लें, इससे 6 से ज़्यादा वर्ड्स आपको बनाने को नहीं मिलेंगे। जैसे FIG फिग कहाँ पता, तो ये आपको मिल गया। एल्डर कहाँ पर है, ये भी आपको देखकर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। वेल, ये आपको मीनिंग तो नहीं बताएगा, बट ये आपकी मेमोरी पावर के लिए अच्छा होता है, आपको नए नए वर्ड्स रिकॉल करने में हेल्प करता है, नए वर्ड्स की प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। ये सारे वर्ड्स आपको इसमें बनाने होते हैं। और अगर आपको ये इजी लगे, जैसे कि सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लेवल को अप डाउन भी कर सकते हो, मतलब आपका लेवल डिफ़िकल्ट वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि लेवल 9x9 सेलेक्ट करते हो आप, तो यहाँ पर वर्ड्स 9 वर्ड्स आ जाएंगे। अब 9 वर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे इतने सारे वर्ड्स में से, तो इस तरह से ये थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट काफ़ी इंटरेस्ट आता है इसमें। आप किसी के साथ चैलेंज भी दे सकते हो, किसी भी फ्रेंड को, कि देखते हैं चलो आप पहले बनाते हो या मैं, इस तरह से चैलेंज दे के भी गेम खेल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, सच में वन ऑफ माय फेवरेट्स है ये। अब लास्ट की ओर बढ़ते हैं हम, व्हाट इज़ लास्ट ऐप। तो लास्ट एप्लीकेशन का नाम है हमारा हैंगमैन। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जैसे कि हेलोवीन से रिलेटेड एक वर्ड बनाना है। अब मैंने कुछ भी क्लिक करा और यहाँ पर M और I आ गया है। अब MI के बाद मैं क्या लिखूँ, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने क्या करा, PA दबा दिया। अब पम्प, तो पम्पकिन मेरे माइंड में आ गया था, क्योंकि हेलोविन पर पम्पकिन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है, वो उसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरा वर्ड देखो, जैसे कि अब आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर अब मुझे बोलना है फूड से रिलेटेड वर्ड, लेकिन ऐसा कौन सा वर्ड है फूड से रिलेटेड जिसमें 5 वर्ड्स आते हैं। WO आ गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है इसमें, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था और फिर मैं गैस करता गया, इन द एंड ये रॉन्ग हुआ, ये अनियन था फूड से रिलेटेड, तो मेरा प्लेयर मर जाता है और यहाँ पर मैं फेल हो गया। तो इस तरह से आपको ये सारी ऐप्स डाउनलोड कर लेनी है, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं सभी ऐप के, सो गो एंड डाउनलोड। सो गाइस, ये सारी थी आपकी 5 ऐप्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और आई होप कि आपको पसंद भी आएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाके डाउनलोड करें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राहुल, और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दें, बिकॉज ये सारी वीडियोस बस आपके लिए ही हैं और जो चीज़ आपके लिए है तो आप उसका एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं। ऑलराइट, स्टे इन टच, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, एंड जुड़े रहें। और इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए हो तो भी मुझे आप बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम
इस तरह की वीडियोस भी आपके लिए ला सकूं। स्टे इन टच, हैव अ गुड टाइम।